वेलकम बैक जी। पाकिस्तान के अंदर अगर हम बात करें, ट्विटर एक्स तकरीबन 12 से 17 दिन हो गए हैं ये अभी तक फंक्शनल नहीं है। वीपीएन पूरे कॉम लगा रही है, इसको इस्तेमाल कर रही है। वीपीएन के इस्तेमाल से जो पूरा रिपल इफेक्ट आता है उससे आईटी इंडस्ट्री अफेक्ट होती है और पाकिस्तान के जो आईटी का जरिए मुबादला है उसमें कमी होती है। ये बड़ा बेसिक मैथ है जो उस वक्त पाकिस्तान गुजशत 1.5-2 साल से जो ये डिसरप्शन आती है उसके नतीजे में ये फेस कर रहा है। ये है पाकिस्तान की हालत। दूसरी तरफ पड़ोसी मुल्क में एक बड़ी हाई प्रोफाइल शादी हो रही है और अंबानी फैमिली की वो शादी है। उधर आप उनकी गेस्ट लिस्ट देखें तो वहाँ पर बिल गेट्स साहब हैं, वहाँ पहुंचे हुए हैं। इसके अलावा मार्क ज़करबर्ग साहब वहाँ पहुंचे हुए हैं और वहाँ पर ये सारी जो बिजनेस और ये जो तमाम मामलात हैं आपको इनके क्लोज कोलैबोरेशन के तहत ये तय होती हैं बातें वहाँ पे। सो वो किस टेंजेंट पे हैं और हम किस टेंजेंट पे हैं ये कोई अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं होगा। लेकिन उससे ज्यादा अब्सर्ड बात है जब मुल्क के अंदर सेनेटर्स की जानिब से ऐसी बेतुकी करारदाद या ऐसी बेतुकी जो बातें की जाती हैं, जैसे कि आज सेनेटर बहरमन तंगी साहब ने की। आज उन्होंने एक करारदाद पेश की जिसकी कुछ अहम नुकात हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। वो कहते हैं जी कि सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हमारे मजहब और कल्चर के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं। लोगों में मजहब और जुबान की बुनियाद पर नफरत पैदा करने की कोशिश की जा रही है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स मुल्की इदारे के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए इनको इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए वो कह रहे हैं कि मैं रिकमेंड करता हूं कि जी कौन कौन से प्लेटफॉर्म, जरा सुन लीजिए, लिखा हुआ है फेसबुक, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और यूट्यूब पे बैन लगा दिया जाए ताकि जो नौजवान नस्ल है उसको उसके जो नेगेटिव और डेवस्टेटिंग इफेक्ट्स हैं उनसे बचा लिया जाए। पाकिस्तान की फेयरली यंग पॉपुलेशन है जो इंटरनेट इस्तेमाल करके ना सिर्फ अपनी बात करती है बल्कि अपना जरिया मुआश भी इंटरनेट के जरिए ढूंढती है। गांव के अंदर छोटे छोटे कस्बों में खवातीन, बच्चे, लड़के, लड़कियां इंटरनेट को इस्तेमाल करके अपने लिए खुद अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करते हैं। लेकिन यहां पर बड़े आराम से बैठकर कह दिया जाता है कि इन सब चीजों को बैन कर दिया जाए। बहरमन तंगी साहब का पहले ताल्लुक पीपल्स पार्टी से था, इससे पहले भी वो बेतुकी सी इलेक्शन को आगे करने की करारदाद पेश कर चुके थे। उस वक्त उनकी पार्टी ने उनको शो कॉज नोटिस दिया, उनकी बेसिक मेंबरशिप कैंसिल कर दी थी हमने देखा। तो उसके बाद उन्होंने एएनपी जमात है उसको ज्वाइन कर लिया था और उनको फॉरन ये भी कहा गया था जी कि सेनेटरशिप से आप इस्तीफा दे दें, जली रुकनीत उनकी खत्म कर दी गई थी। लेकिन बहरहाल क्विकली उन्होंने पीपल्स पार्टी छोड़ दी और एएनपी ने हाथों हाथ उनको ले भी लिया। और उसके बावजूद जो आज की करारदाद है, क्या इनको हम इनका जाती अमल समझें? एएनपी की माजी की क्रेडेंशियल्स वैसे है नहीं, लेकिन उनका प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करके, उनकी जमात का नाम इस्तेमाल करके तंगी साहब इस तरह की जो है ये करारदादे पेश कर रहे हैं। ये कौन इनको समझ दे रहा है, ये कौन इनको अकल दे रहा है? 2024 के अंदर ये बैन का लफ्ज तो दुनिया में कहीं नहीं इस्तेमाल होता। अगर कोई मैसेज है जिससे आप खौफजदा हैं तो उसका एक ही हल है कि जवाबी काउंटर मैसेज या काउंटर नैरेटिव के ऊपर काम किया जाए, उसको स्ट्रॉन्ग बनाया जाए ताकि लोग का जहन, नौजवानों का जहन उसे कबूल करे। ये तमाम प्लेटफॉर्म्स बंद करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारे पड़ोसी मुल्क में जो प्लेटफॉर्म्स ओनर हैं वो वहां जाते हैं, वहां इंटरेक्ट करते हैं, करोड़ों अरबों का बिजनेस करते हैं। पाकिस्तान के अंदर हम क्या कहते हैं जी कि जो ऑलरेडी आईटी इंडस्ट्री थोड़ी बहुत चल रही है उसको बंद करें, ये सब कुछ प्लेटफॉर्म्स पे बैन लगाएं। तरक्की के ये जो है तरीकेकार